क्रिसमस आ रहा है और सबके घरों में केक तो बच्चों के लिए बनना ही चाहिए, और अगर वो केक चॉकलेट वाला हो तो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होगी वो बहुत अलग होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शेफाली और स्वागत है आप सबका शेफाली की दावत में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा किटकैट केक। इसके लिए हम बाउल में 3/4 कप शुगर लेंगे और 1/2 ग्लास हॉट मिल्क लेंगे और इस मिल्क को शुगर में ऐड करेंगे। हमें सारा मिल्क यूज़ नहीं करना है, इसको कुछ बचा के रखना है ताकि अगर बाद में कंसिस्टेंसी थिक होती है तो हम यूज़ कर सकें, और इनको अच्छे से मिक्स करना है। अब एक बाउल में हम एक बड़ी छलनी लेंगे और इस छलनी में हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चोको पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से छान लेंगे, इनको अब हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो दूध और चीनी का घोल बनाया था इसे धीरे धीरे करके ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्प्स ना पड़े और एकदम से ये पतला ना हो। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच मलाई की ऐड करेंगे और 1 टीस्पून विनेगर। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर और बेकिंग सोडा जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे केक बहुत ही फ्लफी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब जो विनेगर और बेकिंग सोडा है वो आपस में रिएक्ट करना शुरू कर गए हैं। अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें 2 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। अब इसके बाद हमें इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। एक टिन में हम बटर पेपर लगाएंगे ग्रीस करके और सारा मटेरियल इसमें ऐड करेंगे। इसको धीरे धीरे से सेट करने के लिए टैप करेंगे और पहले से हम मैंने एक कुकर गर्म होने के लिए रखा है लो फ्लेम पे। अब हम ये टिन इसमें रख देंगे, बहुत ध्यान से करना है कहीं आपके हाथ जल ना जाए, और इस कुकर को हम 35 to 40 मिनट्स के लिए बंद कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसकी विसल उतार देंगे। 35 मिनट्स के बाद मैं कुकर को जब खोल के देख रही हूँ तो देखिए केक बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। अब मैं टूथपिक से 2-3 जगह से इसे चेक कर लूँगी, ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हुआ है। अब मैं इसे निकाल के 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। 1/2 घंटे के बाद एक प्लेट में इसको उल्टा करके ऊपर से हल्का सा टैप करूँगी ताकि ये अच्छे से बाहर आ जाए, और देखिए ये बहुत ही इजीली बाहर आ चुका है। अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे तो देखिए केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी डेकोरेशन के लिए चॉकलेट सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम पैन में 1 चम्मच बटर लेंगे और उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसके मेल्ट होने के बाद इसमें 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे और 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। अब इनको लो फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून चोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और इसको हम तब तक ऐसे ही बॉईल करेंगे जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। इसमें हमें लगभग 10 मिनट लगेंगे। ट्रस्ट कीजिए ये बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार होगा। तो देखिए ये अच्छे से थिक हो रहा है। जब ये थिक हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक हो चुकी है। अब हम किटकैट चॉकलेट लेंगे जिनको मैंने हॉट नाइफ से 1/2 कर लिया है, जेम्स लेंगे 1/2 बाउल, और केक को अब हम डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। अब हम इस पर धीरे धीरे करके चॉकलेट सॉस स्प्रेड करेंगे। पहले हम ऊपर स्प्रेड करेंगे और धीरे धीरे इसको साइड्स पे स्प्रेड करते रहेंगे।
अगर ये अनइवन स्प्रेड हो रही है तो टेंशन मत ले, क्योंकि हमें इसको पूरा अच्छे से बाद में कवर कर देना है। तो देखिए कितने अच्छे से चॉकलेट सॉस लग चुकी है। अब हम इसमें किटकैट चॉकलेट्स लगाएंगे। ये हम साइड्स से शुरू करेंगे लगाना और इस तरह एक एक करके लगाते रहेंगे। इनको प्रॉपर जोड़ना है और इनकी हाइट सेम होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी चॉकलेट्स लगा ली हैं। और अब हम इसके ऊपर जैम्स लगाएंगे। तो धीरे धीरे करते हुए ध्यान से हम इसके ऊपर एक एक करके जैम्स रखते रहेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है और ये पूरी तरह से बनके तैयार है। इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा ये केक बिल्कुल तैयार है बनकर। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।